सिस्टम बायोलॉजी तो आज हमें डिस्कस करिबा क्वेश्चन सेंटर इन रूट्स तो रूट रो क्वेश्चन सेंटर जो देखा जाए तो ता बाबत हमें डिस्कस करिबा तारा डिफरेंट व्यू बाबत हमें डिस्कस करिबा फंक्शन ता सहित तनो जो माने नुवा करी मो चैनल को आछन प्लीज सब्सक्राइब करंतु ता सहित लाइक एवं शेयर करिया को भूलंतु नै वीडियो टी संपूर्ण भाबे देखिया को आपन मान को अनुरोध तनो आसंतु आजर टॉपिक डिस्कस करिबा क्वेश्चन सेंटर बाबत रे तो क्वेश्चन सेंटर बाबत रे जदी हमें कहबा क्वेश्चन सेंटर इज ए रीजन इन द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट्स गोटे रीजन जो हमरो रूट एपिकल मेरिस्टेम रहिछि बा राम रहिछि तनो से रूट एपिकल मेरिस्टेम रो गोटे रीजन जोडा के हमें क्वेश्चन सेंटर बोली कहथौ सो इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स गोटे ग्रुप ऑफ सेल द्वारा तैयारी इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड द फ्लैट फेस ऑफ द हेमिस्फीयर फेसेस टुवर्ड्स द टिप ऑफ द रूट तेणु जदि आम डायग्रामेटिकल देखा मनकर ये है तुम रूट टिप बा रूट एपिकल मेरिस्टेम तो रूट एपिकल मेरिस्टेम दिट इज ए हेमिस्फीयर क्वेसेंट सेंटर और फ्लैट फेसटा फेस टुवर्ड्स द टिप ऑफ द रूट ये है तुम रूट केप तेणु इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर एंड द फ्लैट फेस ऑफ द हेमिस्फीयर फेसेस टुवर्ड्स द टिप ऑफ द रूट तो ये जो क्वेश्चन सेंटर कन्सेप्ट किए देते ना एफ ए एल क्लोज इन 1954 टू द रीजन और जोन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम फ्रॉम व्हिच ऑल फ्यूचर सेल्स आर डिराइव्ड तो से ही प्रथम कन्सेप्ट देते फ्यूचर सेल जो सेल सब परवर्त समय मैंने पर्याय क्रम सेल गुड़ाक डेभलप होता है तो जो एपिकल मेरिस्टेम जो डेभलप हुए तो सी से रीजन जोन को कही ये जो क्वेश्चन सेंटर बोलिक से कहते सो सी मत देखते हि व्यूड दैट रूट टीस्यूज ओरिजिनेटेड फ्रम ए प्रो मेरिस्टेम व्हिच इज कन्सीडर्ड एज ए साइटोजेनरेट सेंटर बोलिक कहते तेणु सी आँ देखते ना जो रूट टीस्यू सब जो ओरिजिनेटेड हो प्रो मेरिस्टेम पाखु व्हिच इज कन्सीडर्ड एज द साइटोजेनरेटिव सेंटर बोलिक साइटो मीन सेल जेनेट मैंने या साइटोजेनरेटिव सेंटर बोलिक से ना देते आई सेंटर को अलग फर्म कौन कही साइटोजेनेटिक सेंटर कहते ऑन्टोजेनेटिक सेंटर बा कंस्ट्रक्शनल सेंटर बोलिक से ना देते देन लेटर दिस वाज फाउंड टू बी यूनिवर्सल अकरेन्स इन द रूट ऑफ रूट एपिसेस ऑफ मोस्ट प्लांट एक्सेप्ट दोज ग्रोइंग बाय ए सिंगल एपिकल सेल लेटर क्लोज नेम्ड इट एज ए क्वेसेंट सेंटर तर जो देखा जो प्राय सब प्लांट रूट केस रे देखा जाए इवन लैटरल रूट केस रे भी किसी देखा जाए जहाँ भी हो तो रूट प्राय रूट केस रे देखा जाए किंतु जो से प्रकार रूट केस रे देखा जाए ना जो मैंने सिंगल एपिकल सेल द्वारा ग्रो हुए विशेष करके आलजी फंजी मानकर जो सिंगल एपिकल सेल द्वारा ग्रो हुए तो से मान केस रे ये प्रकार क्वेसेंट सेंटर देखा जाए नी बरम बहुत सारा जो मैंने मल्टी सेल बा एपिकल मेरिस्टेम सेल जो रूट रही जो बहुत सारा सेल को नहीं कि जो केस रे थाए तो से मान कंडीशन रे ये प्रकार क्वेसेंट सेंटर देखा जाए बोल के से कहले तेणु जो साइटोजेनरेटिव सेंटर बा साइटोजेनेटिक सेंटर बा ऑन्टोजेनेटिक सेंटर बा कंस्ट्रक्शनल सेंटर को परवर्ती समय रे से ना देले कौन ना क्वेसेंट सेंटर भाव रे ना देखले क्यूसी शोज अ लिस्ट माइटोटिक एक्टिविटी ये बहुत ही कम माइटोटिक एक्टिविटी देखा था तो मैंने डिविजन रेट बहुत ही कम होता है एंड लो रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस मैंने डीएनए सिंथेसिस भी लो होता है लिस्ट माइटोटिक एक्टिविटी होता है बिकॉज द सेल साइकिल इज अरेस्टेड जी वन फेज ऑफ माइटोसिस माइटोसिस रो जो जो सेल साइकिल रे जो रही जी वन एस फेज एवं जी टू एवं एम फेज बा डिविजन फेज जी वन फेज रे ही कौन है जे ना माइटोसिस अरेस्टेड हो जाए मैंने सेलटा अरेस्ट हो जाए जहाँफल कौन हुए नी आउ फर्दर डिवाइड हो पारे नी तेणु क्यूसी एक्जिस्ट इन द प्राइमरी रूट्स एज वेल एज इन लैटरल रूट्स अफेक्ट्स इन द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट रो प्राइमरी रूट सहित लैटरल रूट केस रे भी माने देखा जाते तेणु नंबर ऑफ क्वेसेंट जो सेंटर रो सेल कथा जदि हमें कहबा देयर आर फोर सेल्स इन पेटुनिया अरबिडोप्सिस थालियाना एवं पाखापाखी 110,000
10,000 पाखापाखी सेल्स इन जीएमएच केस रे देखा दे थे। विगोरसली ग्रोइंग रूट्स हैव डिस्टिंक्ट टिप क्यूसी व्हेयर इज शॉर्ट लैटरल रूट्स आर विदाउट क्यूसी। तो जोड़ा को विगोरसली ग्रोइंग रूट हैव डिस्टिंक्टिव क्यूसी, तो मैं इजीली हमें क्यूसी को, क्यूसी मीन्स क्वेसेंट सेंटर को हमें इजीली डिस्टिंग्विश कर पे व्हेयर इज शॉर्ट लैटरल रूट्स केस रे से मन क्यूसी टा देखा दिए नहीं। एवं जदी थिन रूट हे थिवो से केस रे बहुत ही स्मॉल हे थे एंड बिलबिल भी देखा भी जाय नो क्यूसी बोली के हम कहबा। द सेल्स ऑफ क्यूसी आर नॉट परमानेंटली इनएक्टिव, ए माने परमानेंटली इनएक्टिव होनतिनी बट इनएक्टिविटी इज रिलेटिव। तमाने हला जे परमानेंटली इनएक्टिव हुएनी बरम कोनो इनएक्टिविटीटा से मनकर रिलेटिव माने प्राय टाइम से माने इनएक्टिव फॉर्म रे ही रही थांती किंतु परमानेंटली दे आर नॉट इनएक्टिव। सो दे डिवाइड ओकेजनली, प्राय टाइम ओकेजनली ही डिवाइड हुए एंड रिन्यू द मेरिस्टेम अराउंड देम, जो मेरिस्टेम से मन के चारिपट रही छे ताको रिन्यू करे। द सेल्स सराउंडिंग द क्यूसी अलोंग इट्स मार्जिन आर टेंपरेरी इनिशियल्स एंड फॉर्म द प्रो मेरिस्टेम, जोड़े की कौन करे ना तुम्हारे जो सेल सराउंडिंग द क्यू सी जो क्वेश्चन सेंटर चारिकटे जो रही है एलोंग द मार्जिन टेम्पोरली टेम्पोररी इनिशियल्स एंड फॉर्म द प्रो मेरिस्टेम्स। सो क्यू सी कैन बी कंपेयर्ड विद द सेंट्रल जोन ऑफ द सूट, आम सेंट्रल जोन ऑफ द सूट सूट रो सेंट्रल जोन सहित आम कंपेयर्ड कर एज ए इट इज ए एक्ट एज ए और सर्व एज ए रिजर्वर ऑफ इनिशियल्स बिकॉज इट एक्ट एज इनिशियल यारी पाखु ही प्रो मेरिस्टम इनिशिएट हो मेरिस्टमेटिक टिश्यू डेवलपमेंट होते हैं। तेणु द सेल्स ऑफ अ थिन रीजन हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए आरएनए प्रोटीन देन अदर सेल्स ऑफ द रूट अफेक्ट्स, जो रूट रो जो चारिकटे जो क्वेश्चन सेंटर चारिपे जो सेल अच्छे से मध्यरे जब देखा डीएनए कनसेट्रेसन आरएनए कनसेट्रेसन प्रोटीन रनसेट्रेसन क्वेश्चन सेंटर सेल मान सेल बहुत ही कम थाए देन अदर सेल्स इन द रूट एपेक्स। सो दे ऑल्सो कंटेन फ्यूर फ्यू माइटोकंड्रिया लिटिल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा ईयर स्मॉलेस्ट डिक्टियोसोम प्लांट केस रे गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम बोले क्वा जाय स्मॉलेस्ट डिक्टियोसोम न्यूक्ले न्यूक्लियली ई सब बहुत ही अल्प अमाउंट रो बा कम कम अमाउंट देखा जाए। प्लस ता सहित क्वेश्चन सेंटर रे थिबा सेल मान केस रे लो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए आरएनए प्रोटीन इत्यादि देखा जाए। तापर बहुत माने सेलुलर ऑर्गेनेल भी बहुत ही कम देखा जाए देन द सराउंडिंग सेल्स माने रूट रे जो सराउंडिंग सेल्स थारु जदि हम क्वेश्चन सेंटर रो सेल मान को देखिबा तो सब जिंस रे ही कम था एवं बिकॉज इट शोज इनएक्टिविटी माने रिलेटिव फॉर्म त माने दीप कोन इज ए प्राय टाइम से माने कोन करंती ना इज ए इनएक्टिव फॉर्म रे रहिथान तो सेति पे माने केस रे प्राय तो इ लो कंसंट्रेशन डीएनए आरएनए प्रोटीन ऑफ यू माइटोकॉन्ड्रिया लिटिल ईआर स्मॉलेस्ट डिक्टियोसोम्स न्यूक्ले न्यूक्लियल एटसेट्रा। तो ये क्यूसी को नहीं कि डिफरेंट व्यू रही है क्वेश्चन सेंटर को नहीं कि डिफरेंट व्यूज रही है। तो डिफरेंट व्यूज हैव बीन एक्सप्रेस्ड ऑन द पॉसिबल कॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ क्यूसी इन रूट्स। तो प्रथम व्यू कथा जदि हमें कहबा वन व्यू सजेस्ट दैट क्यूसी अपीयर्स बिकॉज ऑफ रूट केप, रूट केप पई क्वेश्चन सेंटर अपीयर हेते। द ग्रोथ इन रूट टेक्स प्लेस इन एंटागोनिस्टिक डायरेक्शंस एंड द अपीयरेंस ऑफ क्वेश्चन सेंटर कंसाइड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ रूट केप ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस टाइम रे जो डेवलपमेंट हेते रूट केप फॉर्मेशन हेते तो सी जिनस को कोइनसाइड करिया पई बा एंटागोनिस्टिक डायरेक्शन रे ई ग्रो करथे। सो इफ द रूट केप इज डैमेज्ड और रिमूव, प्लांट केस रे रूट केप जदि डैमेज हे बा रिमूव हे जाय द क्वेश्चन सेंटर एक्टिव्स एंड रीक्रिएट्स द रूट केप। दिस बिहेवियर सजेस्ट अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नलिंग पॉसिबल बाय हार्मोन्स। तनो ई जो एक्टिवेट होबा रीक्रिएट्स करबा रूट केप तो इडा हार्मोन प्राय द्वारा हेते और इट्स वाइटल ऑफ द क्यूसी। High level of oxygen are found in the growing root tips suggest that it may play an important role in the maintenance of our tissue organization. जो root tip case रे oxygen develop ये oxygen को oxygen तो वो oxygen develop हो दरा high level of oxygen
डेवलप हवा द्वारा रूट केस रे मे बी ए प्रकार सिग्नलिंग हेते एवं सिग्नलिंग हवा द्वारा क्वेसेंट सेंटर एक्टिव्स हुए एवं रिक्रिएट करे रूट के। तो ये गोटे व्यू गला। देन सेकंड व्यू कौन कहे ना चेंज इन न्यूट्रिशनल कंडीशन। जो न्यूट्रिशनल कंडीशन चेंजेस हुए अल्सो रिजल्ट अल्टर द क्यू क्यू डायमेंशन दैट मीन्स क्वेसेंट सेंटर डायमेंशन चेंजेस है थे बोली को दैट इज टोलियो एट अल इन 2009 व्हेन द रूट्स ऑफ द मेज आर एक्सपोज टू स्टारवेशन जितेबेले खाद्य अभाव हुए रूट केस रे द सेल्स ऑफ द क्यूसी गेट एक्टिवेटेड सी समय रे एक्टिवेट हुए एंड अंडरगो रैपिड माइटोसिस एंड साइज ऑफ द क्यूसी चेंजेस हुए तेणु जितेबेले रूट जितेबेले स्टारवेशन पीरियड रे रहे बा आसे स्टारवेशन एक्सपोज स्टारवेशन को एक्सपोज हुए तो से केस रे क्यूसी एक्टिवेटेड हुए एवं रैपिड माइटोसिस होवा द्वारा क्यूसी रे चेंजेस हेते। देन अनदर व्यू कथा जदि हम कहबा दैट इज किसी प्लांट केस रे रूट के कंट्रोल द क्वेसेंस इन मेरिस्टेम द प्रेशर एक्जर्टेड बाय द एक्सपेंडिंग फाइल्स जो मेरिस्टमेटिक सेल द्वारा सेल्स ऑफ डिवाइड हुए रैपिडली डिवाइडिंग मेरिस्टमेटिक सेल्स प्रिवेंट द सेल्स ऑफ क्यूसी फ्रॉम डिवाइडिंग जो सेल गुड़ाक मेरिस्टमेटिक सेल गुड़ाक रैपिडली डिवाइड हुए प्रेसर एक्जर्ट करे इनवर्ड हो बा आउटवर्ड हो तेणु से केस रे क्यूसी मध्य से केस रे कौन करे ना रेगुलेट करे ता सहित तो रूट केप भी रेगुलेट करते हैं क्यूसी कौन करे ना एमती प्रेसर एक्जर्ट करवा द्वारा बा प्रिवेंट करवा द्वारा जो मेरिस्टमेटिक सेल रैपिडली डिवाइड होता ताको किछटा चेक करते हैं। देन नेक्स्ट माने व्यू कथा जदि कहबा जे साइटोकाइनिन हैज बीन रिपोर्टेड टू रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सिन इन द रूट एपेक्स एंड देयरफॉर रेगुलेट द माइटोटिक एक्टिविटी इन क्यूसी तेणु साइटोकाइनिन ये जो रूट केस रे रेगुलेट करे ऑक्सिन रो डिस्ट्रीब्यूशन को जहाँफल कौन हुए ना जो माइटोटिक एक्टिविटी हुए क्यूसी रो क्वेसेंट सेंटर रो ताको मध्य रेगुलेट करते सो इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रेट ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल डिफरेंशिएशन। तो ये थिला डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग देयर अपीयरेंस ऑफ अ क्यूसी क्वेसेंट सेंटर। देन नेक्स्ट देखिवा दैट इज फंक्शन ऑफ अ क्यूसी सो इट इज मोर रेजिस्टेंट टू इंजरी एंड इरेडिएशन इट इज द सेंटर ऑफ रिजर्वर ऑफ स्टेम सेल्स टू एंश्योर द रीजेनरेशन एंड परसिस्टेंस ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम रिजेनरेट करेबा एवं रूट एपिकल मेरिस्टेम को परसिस्ट करेबा धारण करेबा इज ए रिजर्वर ऑफ स्टेम सेल भाबरे ये रही था। And if the root growth is stopped or root tip is damaged, then this zone restarts the growth. जेतेबेले रूट माने कर कोनोसी ग्रोथ स्टॉप हे जाउची बा रूट टिप डैमेज हे जाउची सी केस रे दैट जोन रिस्टोर्स द ग्रोथ ऑफ द रूट सो इट इज अ पैटर्न जनरेटिंग सेंटर इन द रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो पैटर्न जनरेटिंग सेंटर इन द एपिकल मेरिस्टेम दैट मीन्स इट क्रिएट्स ए पैटर्न जो नॉर्मल पैटर्न रही था रूट केस रे सीटा को सी जनरेट करेबारे साहय करते जेंति आमे कहबा जे जेतेबेले माइक्रो सर्जरिकल यदि रूट जो क्वेश्चन सेंटर को एक्सिजन करा जाए बा एपिकल मेरिस्टेम को एक्सिजन करा जाए तमने बाहर कर दिया जाए देन रूट्स रीजेनरेटिव रेस्पॉन्स इन मेज वाज एग्जामिन्ड ये केस रे यदि हमें रिमूव भी कर दबा ताले सी अगेन सी कोन करबो ना किछ मेज केस रे देखा जाय छी जी अगेन रीजेनरेट कोड छी फंक्शनल एपिकल मेरिस्टेम डेवलप कोड छी ता सहित क्वेसेंट सेंटर भी डेवलप हो छी अकॉर्डिंग टू द रूट पैटर्न तेणु रूट पैटर्न अनुसार से पुणे डेवलप होता है तेणु से कहा जाए जे क्यूसी इज अ पैटर्न जेनरेटिंग सेंटर इन द रूट एपिकल मेरिस्टेम सो इट इज ऑल्सो ए जियोमेट्रिक नेसेसिटी इन एंजियोस्पर्मिक रूट एंजियोस्पर्मिक रूट केस रे एटा जियोमेट्रिक नेसेसिटी मध्य रही था जमीक आम कह बायोफिजिकल आउटपुट बेस्ड जो टेंसर टेंसर एनालिसिस केस रे विशेष करके सजेस्ट होता है यहाँ जियोमेट्रिक नेसेसिटी क्यूसी निहाती आवश्यक होता है। देन एट लास्ट दैट इज कंक्लूजन दैट इज क्वेसेंट सेंटर नाउ क्यूसी हेज बीन रेकग्नइज एज ए स्टेम सेल एक स्टेम सेल भाव में बर्तमान रेकग्नइज कर निज इन द रूट रूट्स ऑफ अ प्लांट प्लांट रूट रे इज ए स्टेम सेल निज बोली के कहा जाए तो सेवरल वर्कर्स आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेन्स
and its rule in plant at the molecular level. तो प्रधान जो तार फंक्शन तार जो वर्क इत्यादि सिग्निफिकेंस प्रधान तार मॉलिक्युलर लेवल रे प्रधान बुझा पई साइंटिस्ट मैन चेष्टा करचो. सो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड. प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर.